गई, गोल्डन और सिल्वर की वजह से लुक अच्छी आ गई। बूटे भी इसी तरह से बनाए हुए हैं तो लुक बहुत अच्छी है। 3-2 की चौक चल रही है पूरे में, स्टोन वर्क का काम। एक बार लाइट जला दीजिए, आप जला के दिखा दो यहाँ से, तो इसका पता चलेगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गेटअप आता है। ये देखिए बहुत बढ़िया लुक आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा कलर चेंज होता है। हेलो पल्लवी जी, हेलो पदुरंग पाटिल जी, हेलो पार्वी पूर्वा जी, हेलो मनी यादव जी, हेलो चंचल जी, ये देखिए। और ये इस तरीके से इसकी बहुत बढ़िया शाइनिंग आती है, क्योंकि इसमें जो ये तार है ना, ये शाइनिंग का है। और देखिए कंट्रास्ट में चल रहा है, एक ये ब्लू हो गया, 3-4 कलर का। यहाँ से देखिए, यहाँ पे ज्यादा अच्छा पता चलेगा, यहाँ पे ये देखिए। तो लुक बहुत अच्छी आती है इसकी, जिनके यहाँ स्टोन वर्क चलता है। जहाँ पे नहीं चलता उनको स्टोन वर्क पसंद ही नहीं होता, उन्हें मतलब नॉर्मल साड़ी चाहिए। इस पे मैंने ऑर्गेंजा के ऊपर भी सिंपल सोबर में बड़ी फैंसी आइटम्स बनाई हुई हैं, तो वो डिजाइन मैं आपको दूसरी सेकंड वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अभी मैं इस तरह के डिजाइन लेके हूँ और अच्छे से ड्रैप किया तो बहुत बढ़िया लुक आती है, बहुत बढ़िया। ये देखिए पूरा इसके कलर रख दीजिए बस, और सारी साड़ियाँ विद ब्लाउज होती हैं, ब्लाउज रनिंग में आते हैं सबके। इसमें डार्क के कलर भी आ रहे हैं और लाइट भी, लाइट डस्टी भी चल रहे हैं। अभी कंट्रास्ट देते हैं नीचे से, ये देखिए। हाँ ये रखिए, ये वाइन कलर हो गया, रेड कलर हो गया, मेहरून कलर, 3 कलर डार्क के, और एक ये पिस्ता कलर खोला हुआ है, एक ये। हेलो ऋषु विपिन जी, हेलो मनी यादव जी, संजय वाला, मनी यादव जी, एक या दो साड़ी बिल्कुल मिल सकती हैं, आप बहुत आराम से ले सकते हैं। एक ये बहुत बढ़िया कलर, अब ये कलर है, ये डस्टी कलर के संग पैजी कलर को मिक्स कर दिया, बिल्कुल अलग कलर बन गया। पीच कलर के संग इन्होंने मिक्स कर दिया। तो आजकल जो केमिकल इंजीनियर हैं, जो डाई के, जो ये डाइंग के बनाते हैं, डाई मास्टर हैं, वो सारे ऐसे ऐसे कलर्स बना रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, और हम सोच से परे होते हैं वो कलर्स। फैब्रिक भी उसी सबसे बन रहे हैं। अब ये पीस खोलिए तो बिल्कुल डिफरेंट कलर है। इस कलर को नाम एग्जैक्टली क्या देंगे, नाम दे ही नहीं सकते, बहुत अच्छे कलर्स बन रहे हैं। हाँ ऋषु जी, बिल्कुल एक एक दो दो साड़ी मिल सकती है। हेलो सपना जी, आप एक एक दो दो पीस ले सकते हैं, मेरे 2-3 नंबर दिए हुए हैं। एक तो नीचे मैंने, अरे बहुत सारे लोगों को पता है, 7217818481 नीचे दिया हुआ है, मुझे जो याद भी है। एक नंबर और है 8376918925 दूसरा नंबर, और एक ये भैया का भी नंबर है 8700250928। ये इस तरीके से एक ये जॉर्जेट पे है, हैवी डिजाइन, वेडिंग सीजन आ रहा है, वेडिंग के सबसे। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, अभी कई कस्टमर पीछे, हमने तो 1-2 दिन से स्टॉप किया हुआ है, ये कह रहे हैं कि दिवाली पे साड़ी चाहिए या भैया दूज के हिसाब से। तो हम यही कह रहे हैं सब कस्टमर्स को, सब लोगों को, कि अभी आप अर्जेंसी में बुकिंग ना दें। कोरियर कंपनी पे हमारा कोई जोर नहीं है, कोरियर कंपनी वाला पहुंचा भी सकता है और लेट भी कर सकता है। कोरियर कंपनी पे भी बहुत ज्यादा लोड है। पल्ले पे कॉर्नर पे देखिए, हैवी बूटा, हैवी बूटा। सपना जी प्राइस का आइडिया नहीं दे सकता, लेकिन आज मैंने जितने भी डिजाइन यहाँ पे निकाले हुए हैं, ये समझिए रफ आइडिया दे रहा हूँ, 1600-1700 से लेके 4000 रुपए तक के डिफरेंस बहुत ज्यादा है। 1600-1700 से लेके 4000। एक सेकंड, ये यहाँ पे बूटा लीजिए, अब लीजिए ये कॉर्नर का बूटा, ये पल्ले के कॉर्नर पे बूटा है। हाँ ये बूटा आ गया, अब ये देखिए। शिल्पी वर्मा जी हाय, लास्ट वीडियो का ब्लॉग और गाउन ऑर्डर करना था। पूर्वा जी बिल्कुल कर सकते हैं, या तो ये जो नीचे नंबर दिया हो 8700 और 250928 पे कर दीजिए, या फिर एक मेरा 2-3 नंबर और दिए, किसी भी नंबर पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी अब स्क्रीन शॉट लेके व्हाट्सएप कर दीजिए इन्हीं, किसी भी एक नंबर पे, लेकिन करिएगा प्लीज एक नंबर पे। रीता मोना जी हेलो नमस्कार, ये देखिए ये शोल्डर पे आएगा, ये इस तरीके से आता है, इसको ऐसे ही रखा जाता है, इस डिजाइन को फिर फ्लेयर पल्लू में ही पहना जाएगा। जोहर समीर जी, ये सब आइटम आपकी ऐप पे मिल जाती हैं? हाँ जोहरा जी, ये सब आइटम मेरी ऐप पे मिल जाती हैं, और कुछ आइटम्स
क्या होता है नहीं भी होती आती रहती हैं, नई आइटम्स आ गई वहाँ पे, कुछ आइटम जो रनिंग है हम वो रखते हैं जो डिज़ाइन रिपीट होते रहते हैं। एक बात समझिए, मैंने डिज़ाइंस बनाए वो जिन्हें डिज़ाइन बना रहा हूँ, तो सारे आइटम्स तो ऐसे नहीं होते जो शॉपकीपर से मेरे पास रिपीट आ रहे हैं। जो रिपीट आते हैं वो डिज़ाइंस तो हम वहाँ पे रखते हैं क्योंकि आगे कस्टमर पे बिक गया, जो नहीं आ रहा वो हम यहीं पर ख़त्म करते चलते हैं। तो बहुत सारे डिज़ाइन नहीं भी अपलोड हो पाते, बहुत सारे अपलोड हो जाते हैं, जो रिपीट आते हैं वो हम अपलोड कर देते हैं। बल्कि होता क्या है, मज़े की बात, बहुत आपको मज़े की बात बताता हूँ। कस्टमर क्या सोचता है कि जो यहाँ पे पड़ा हुआ है ना ये पुराना है, बहुत अच्छी बात है, जबकि है क्या, जो पड़ा वहाँ पे है वो मेरे पास रिपीट चल रहा है, मैं रिपीट बना रहा हूँ, और जो मेरे पास रिपीट नहीं चल रहा वो मैंने यहाँ पे आपको जैसे मान लो ये डिज़ाइन दिखाया, अब मेरे पास रिपीट ही नहीं आएगा, मैं क्यों दोबारा बनाऊंगा? डू यू थिंक आई एम फूल? नो, मैं इसको आपको दिखाया, मैंने अपने शॉपकीपर्स को भेजा, अब शॉपकीपर्स मुझे बताएंगे कि भैया इस डिज़ाइन को रिपीट कर दो, तो मैं इसको अपलोड भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, नहीं तो आया अपलोड मैं इसको यहीं पे बेच बेच के ख़त्म कर देंगे बस। अब इस तरह की आइटम होती है, मैंने आपको वो दिखाई थी याद है 600 रुपये वाली, मैंने आपको फ्रिल साड़ी दिखाई थी 1495 रुपये मेरी कॉस्टिंग थी उसकी, मतलब 1495 रुपये मैंने वो निकाले थे प्राइस प्लस GST। अब वो मैंने फिलहाल उसके 630 रुपये होगा ना, 630 रुपये मैंने प्राइस कर दिए विद GST प्लस कोरियर चार्जेस। तो वो नहीं मुझे समझ आ रहा है कि ठीक है अब हमें उसे कंटिन्यू नहीं करना, तो हम उसको बंद कर रहे हैं, तो माल तो बहुत ज़्यादा बनाया हुआ था। हाँ है, बहुत डिजाइन है, ये इसका दोनों साइड स्लीव्स और ये गला बना हुआ है, इसके कलर्स मुझे यहाँ पे रख दीजिए। आप एक काम करिए, एक दोनों नेट के लहंगे ले आओ, चलो जाओ, ऐसे कुछ अलग अलग चीज करते हैं, कोई जरूरी नहीं है हम ये दिखाएं। मैं कर लूंगा भैया, आप यहाँ पे थोड़ा सा खिसका दीजिए, मैं कर लूंगा, आप लेके आओ। थैंक यू भवनीत कौर जी। ये देखिए, अब इसमें कलर देखिए, रेड कलर, येलो कलर, थोड़ा सा लाइट जलाई हुई है, एक बार गोल्डन भी जला दिए, कलर चेंज हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, गेटअप इनका लाइट में ही आता है। मैंने कहा गोल्डन और जला दीजिए भैया वहां से, ये रॉयल ब्लू और ये डार्क गाजरी भैया नीचे के जो, हाँ इसमें है चार, हाँ ये चारों, हाँ जी भैया। थैंक यू पूर्वी बालाजी, थैंक यू, आपको अच्छी लगी, आपने वो करा, बस इसी तरीके से खुश हो जाता है। जैसे ग्रैंडी का नहीं होता, घर में लेडीज होती हैं, खाना बनाया बहुत अच्छा बना है और आपने तारीफ नहीं करी तो उसका मन महसूस कर जाती है, और आपने तारीफ कर दी थोड़ा कम भी अच्छा बना, बहुत बढ़िया, तो अगली बार क्या कोशिश करती है और बढ़िया खाना बनाऊं मैं। तो इस तरीके से ही होता है। हाँ, कोई सी भी एक डिजाइन पे कलर भी लाए हैं या खाली पीस पीस लेके करके किसी कलर भी ला सकते तो ले आते भैया, कोई सा भी ले भैया, ये कलर्स कैसे देख लिया आपने? तो आप, हेलो पूनम जी, आप इसमें ना सब में सिंगल्स अवेलेबल होते हैं मेरे पास। मनी यादव जी प्लीज इनमें से किसी भी नंबर पे आप पूछ लीजिए, मैंने रफ आइडिया दे दिया। आज मैं जो यहाँ पे देखिए काफी सारे डिजाइन्स में लेके आया था, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, उसका मैं आपको दिखा सकता हूँ कि एक रफ आइडिया दिया कि 600 1600 1700 से लेके 4000 रुपए तक, एक आइडिया दे रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा, ताकि जो बेचते हैं जो शॉपकीपर्स हैं, देखिए आप लोग यहाँ पे मुझसे थोड़े से आदमी जुड़े हुए हैं, लेकिन जो शॉपकीपर्स हैं वो आप सैकड़ों लाखों करोड़ों आदमी हैं, तो उन सबको बेचना होता है, तो वो कैसे बेच पाएंगे? आप भी कल को शॉप खोलेंगे तो आप भी नहीं चाहेंगे इसके प्राइस ओपन को। एक खोलिए, वो पीस खोलिए, एक देखिए ये है सिमर शिफोन पे, ये पीस लेके आया था, डिजाइन मैं नए नए लेके आया था, एक ये है, इसके भी कलर्स आए लेके आया था, सब जर्कन, जर्कन में शाइनिंग देखिए, वो कटदाने का पीस हो गया, रेशम की लोड हो गई, ये जर्कन हो गया, एक ये देखिए जॉर्जेट के ऊपर, एक ये डिजाइन कटदाने का, एक ये मैं लेके आया हूँ क्रेप के ऊपर, फुल जर्कन के डिजाइन, रंग अभी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी नेट की, किसी कस्टमर ने नेट की डिमांड कर दी तो नेट दिखा रहा हूँ मैं। थैंक यू संजना जी, आप खड़े होके ये दिखाइए भैया, मैं जरा बैठा हुआ हूँ, बैठे रहें तो मुझे आप, ये देखिए नेट के ऊपर पूरा रेशम का लोड, जो फ्लावर है इन फूलों में कंट्रास्ट कर दिया और बीच में मेरा लगा दिया, यहाँ पे जर्कन लगा दी, यहाँ पे देखिए जर्कन हो गई पूरे में, दो
पूरे में ये जरकन हो गई यार, ये रेशम का लोड। और ये नीचे देखिए पूरा बॉर्डर, ठीक है पूरा ये, और यहाँ पे कली में भी। पूनम जी ग्रीन का प्राइस भी आप प्लीज प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए। अभी उसमें कलर्स भी आएंगे, जो ग्रीन ये जो नीचे साड़ी रखी है हैंडवर्क की, आप उसी के लिए कह रही है ना, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा और ऊपर उठाइए भैया, अपने पास पीस थोड़ा सा और ऊपर उठाइए ताकि यहाँ पे ये गेटअप आए। फ्लेयर बहुत अच्छी है, थोड़ा सा उधर से पकड़िए, ऐसे ही पकड़िए। ये देखिए फ्लेयर कमर के हिसाब से भी देखिए, और नीचे फ्लेयर बहुत अच्छी, और इसमें भी केन देखिए, यहाँ पे पेस्टिंग करिए, लोग पेस्टिंग नहीं करते, पैसे बचा जाते हैं। यहाँ पे भी ये भी अंदर जो इनर लगाया हुआ है उसके ऊपर भी हल्की क्वालिटी का, नहीं इसमें भी कई तरह की क्वालिटी आती है, और इसके ऊपर भी पेस्टिंग करिए। उसके बाद सर आइडिया मैंने आपको बताया 1600-1700 से लेके 4000 रुपए तक की एक रफ आइडिया बता दिया साड़ीज हैं। अच्छा एक हमने और चेंज किया अपनी ऐप पे, पहले जीएसटी अलग से लगाते थे, जीएसटी इंक्लूडेड प्राइस दिखाने लगे, तो वो क्या बेटर है आप ही लोग बताएंगे। बस उसमें आपको शिपिंग जोड़नी है, शिपिंग मैं इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि जो आउट ऑफ इंडिया के कस्टमर है उनको, मतलब उनको शिपिंग को क्यों उनसे पैसे फालतू लेना, किसी भी कस्टमर से पैसे फालतू क्यों लेना, वो या तो कस्टमर खराब हो गया आप उनसे पैसे फालतू लोगे, पैसे फालतू मुझे चाहिए नहीं, मुझे जो मेरी मेहनत का पैसा उतना मिल जाए बस वो बहुत है जो बना रहे हैं। ये रह गया, ये केन केन लगाइए, केन केन के बाद फिर से इनर लगाया होगा, उसके नीचे भी ये देखिए कितना चौड़ा पट्टा पेस्टिंग, तो इसकी लुक बढ़ जाती है, और ये यहाँ पे करने से आपकी जो पीस है वो खराब भी नहीं होता, मेन बात ये होती है। इसका और दूसरा कलर दिखा दे, इसका दुपट्टा दीजिए पहले, ये इसका दुपट्टा हो गया। हेलो समीर जी, श्वेता त्यागी जी, मेरी शॉप जो है चांदनी चौक और चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के बीच में है, नई सड़क पे है, नया मारवाड़ी कटरा बिल्कुल बराबर में है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे बना रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे रिटेल भी में भी देते हैं हम सारीज, और आपको सेम प्राइस पे मिल जाती है, हम पैसे एक्स्ट्रा नहीं लेते, ठीक है। मेरे खड़ा करना इसको जरा भाई साहब, खड़ा करना बूटी नहीं देने, ये देखिए बूटी, हाँ ऐसे। पूर्वी जी अभी जो ब्लैक कलर का गाउन जो आप कह रहे हैं वो ग्लिटर वाला गाउन, स्वीट हार्ट नेकलेस वाली गाउन दिखा दीजिए मैम। थोड़ा सा स्टाफ कम है, नीचे ग्राहक बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा फिलहाल दिक्कत है, आप उनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है ये 87 वाले नंबर पे आप कर लीजिए, वो वहां से आपको दिखा देंगे। ये देखिए इसका ब्लाउज दीजिए और इसका कलर खोल लीजिए आप, मुझे दे दीजिए भैया, मुझे दे दीजिए आप, इतनी देर में कलर खोल लीजिए, एक मिनट में खोल के दिखा रहा हूँ। मेरे पास डिजाइन इतने हैं कि मैं शाम तक भी दिखाता रहूँ ना, सुबह से शाम तक कंटिन्यूस दिखाऊं तो भी खत्म नहीं होने। ये देखिए ये इसका बैक हो गई, बैक पे भी बना हुआ है, और ये इसका फ्रंट हो गया, और स्लीव्स भी बनी हुई है, तो फुल स्लीव्स का भी बन सकता है, किसी को फुल स्लीव्स का बनाना हो, और ये इस तरीके से भी बन सकता है। हेलो सविता जी, हाँ जी, हेलो आनंद जी, आनंद बंसाली जी कह रहे हैं मेरी शॉप अमेठी में है, आनंद आनंद जी आप बहुत इजी है, मेरे किसी भी नंबर पर जुड़ जाइए, आप अपना शॉप का विजिटिंग कार्ड भेजिए, हर शॉपकीपर को मैं ये जरूर कहता हूँ अपना विजिटिंग कार्ड भेजिए जिसपे आपका नंबर वो हो लिखा हो, हर एक कस्टमर को किस नाम से सेव करेंगे। मैं किसी को बोलता हूँ हाय लिख के भेजता हूँ तो हाय तो पता नहीं कितने हाय आए हुए हैं, तो वो दिक्कत है। आप अपना विजिटिंग कार्ड भेजिए, आपके नंबर से सेव किया जाएगा, उसके बाद आपको ये सारे डिजाइन भेज दिए जाएंगे, वो जो पसंद आता है आप उस तरीके से ले सकते हैं, उसकी पेमेंट कर दीजिए, यहाँ से माल चला जाएगा, डिस्पैच हो जाएगा सारा। शिपिंग चार्जेस डिपेंड करता है कौन सी आइटम आप ले रहे हैं। ये देखिए पिस्ता कलर का पीस, इसमें दो कलर है फिलहाल, पिस्ता कलर का पीस, ये सारे तो पार्सल खुलते ही माल खत्म हो जाता है, यहीं पे लोकल में सारे लोग कस्टमर आते हैं, हमने डाला तो कस्टमर हाथों हाथ बुकिंग दे देते हैं, भैया इतने इतने पीस भेजो। हेलो संजना जी, थैंक यू सरिता जी, ये देखिए ये थोड़ा सा कलर चेंज महसूस हो रहा है, पिस्ता कलर का पीस है, बहुत बढ़िया पीस है, मतलब रेंज वाइज बहुत बढ़िया पीस है, एक बार हटाइए इसको।
एक इस बीच में वो कह रही थी ना ये ग्रीन वाली साड़ी, ये अब ये जो है ना ये टेस्ट है फैंसी शहरी टेस्ट कहलाता है, ये टेस्ट जो कहलाता है थोड़ा सा ना डिफरेंस ही आ जाता है, अब ये मत कहिएगा कि वो है, ये शहरी टेस्ट कहलाता है, बारीक काम होते हैं, बारीक कटदाना, फैंसी गर्ल्स को इस तरह का पसंद है, आजकल जो लेडीज हैं थोड़ी सी जो फैंसी मॉडर्न है उनको इस तरह का पसंद आता है। देखिए कटवर्क बॉर्डर हो गया, खाली कटदाने का काम बहुत भरा हुआ नहीं है, बीच में पूरे में कटदाने की ही बूटी डाल दी। अच्छा कुछ कस्टमर्स ये पूछते हैं कि इनको वॉश किया जा सकता है, सर ये साड़ी की साड़ी ड्राई क्लीन होती है, घर में होम वॉशेबल नहीं होती, कितनी बार पहनी होती है साड़ी? सिर्फ 3 बार पहनी जाती है, एक ससुराल का फंक्शन, एक पीयर का फंक्शन, हेलो अर्षी जी, और एक कोई अड़ोस पड़ोस का। तो आनंद जी आप अपनी शॉप का विजिटिंग कार्ड जरूर भेजिएगा, ये देखिए ये पूरे में इस तरीके से नीचे पैनल में, अब ये देखिए स्कर्ट में इतना, अब ये फर्क आता है। हम क्या करते हैं, जो इस तरीके की साड़ी होती है बहुत अच्छे से इसको आपको चेक करके भेजते हैं, और यहाँ पे कोशिश ये रहती है लोगों के क्या होता है चौके निशान आते हैं, लगते हैं चौके निशान लेकिन उसको साफ नहीं करते, उसकी भी कॉस्टिंग है, एवरी हर एक चीज की कॉस्टिंग है, उसको साफ करके ध्यान करके उस तरीके से भेजते हैं। ये देखिए और इसमें भी काफी कलर्स हैं, और सारे के सारे जो हम फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं फैब्रिक बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सरिता जी, ये देखिए ये इसकी दोनों साइड स्लीव्स हो गई और ये गला भी बना हुआ है, और इसमें कलर्स भी इतने प्यारे आएंगे, बिल्कुल डिफरेंट कलर आएंगे, ग्रीन भी देखिए वो नॉर्मल ग्रीन नहीं है जिस तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए वाइन कलर, डिफरेंट वाइन रेड, और तो लहंगों में मेरे पास बहुत डिजाइन है, वेडिंग लहंगा समझिए मेरे पास 2,500 रुपए से शुरू होके और 25,000 रुपए तक के हैं। अनामिका जी बहुत सारी साड़ीज हैं, चलो मैं एक दो पीस आपको दिखाता हूँ, किस तरह की हैंडवर्क में दिखाना है या ऑर्गेंजा पे या सिल्क पे, बहुत तरह के फैब्रिक्स हैं। आज की डेट में ना इतनी सारी चीजें चल रही हैं, किसको क्या पसंद है, किसके पास वार्डरोब में अलमारी में क्या है उसके हिसाब से लिया जाता है, हर एक की चॉइस डिफरेंट डिफरेंट है, किसी को थोड़े से बॉडी कलर चाहिए, ब्राइट कलर चाहिए, किसी को शाइनिंग में चाहिए, किसी को मैटी फिनिश में चाहिए, तो रोज नई नई आइटम आ रही हैं। अब ये देखिए किसी को मेरा वर्क पसंद नहीं आता और किसी को इतना पसंद आता है, ये देखिए इसमें मिरर की वजह से कितना बढ़िया गेटअप आ गया, ये देखिए थोड़ा सा ऐसे उठा लीजिए, ये आपने उठा के लगा लीजिए एक मिनट भैया, जैसे पहले लगाया तो थोड़ा सा आइडिया लगता है बहुत अच्छा। ये देखिए अभी भैया को ऐसे ही रख दिया, इसमें गेटअप देखिए पूरे में मिरर वर्क हो गया, मिरर से शाइनिंग आ गई, यहाँ पे झटकन लगा दी, रेशम मल्टी थ्रेड हो गया, पास में आ जाइए, तो गेटअप ही अलग हो जाता है। सर पूनम जी कह रही है कि ऑर्गेंजा साड़ी शो कर दी है, ऑर्गेंजा साड़ी अभी मंगवाता हूँ पूनम जी, थोड़ी सी साड़ी वो भी मंगवा लेता हूँ ऑर्गेंजा। हेलो संगीता महेश्वरी जी, जय श्री कृष्णा, कुसुम सिंह जी हाय, मैं सबको हाय नहीं बोल पा रहा हूँ तो प्लीज इसको माइंड मत कीजिएगा, सॉरी मैं सबको नहीं बोल पा रहा हूँ, कुछ कुछ को बीच में देख के बोल देता हूँ तो इसको माइंड मत कीजिएगा। इसमें भी सेम है, मैं एक बार फिर भी आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ऐसे उठाइए, ये देखिए यहाँ पे भी पट्टा पेस्टिंग किया हुआ, इससे क्या होता है बॉर्डर पूरा लुक बहुत अच्छी आती है, देखिए सुकड़ा सुकड़ा सा नहीं है, बहुत अच्छा बढ़िया ग्रेस आ रही है, एम्ब्रॉयडरी की भी ग्रेस आ रही है, ऐसे लगता है तो ग्रेस भी आती है, नीचे फैब्रिक भी जो इस्तेमाल किया यहाँ पे भी, इसके ऊपर हमने क्या किया ये पूरा का पूरा किया, यहाँ पे केन केन लगी हुई है, उसके नीचे फिर से पट्टा पेस्ट कर लिया, तो जो लहंगा बांध आता है बहुत अच्छी, उसकी लुक बहुत अच्छी आती है, ऐसे ले लीजिए, और बेल्ट पे भी काम है इसका, दूसरा वो दिखाइए जरा दुपट्टा वो, और नीचे से ना दो चार मुझे दे दीजिए दुपट्टा और ब्लाउज आप दे जाओ, आप नीचे से वो ले आओ, क्या चीज ऑर्गेंजे की साइज, ये एक मिनट आप खोल के आप ये मुझे दे देते लहंगा, आप जाइए भैया कोई बात नहीं, ये देखिए मैं बैठे बैठे ही दिखा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, खड़े नहीं हो रहा हूँ। हेलो निशा जी थैंक यू, सोनी जी थैंक यू, व्हाट्सएप पे अभी रिप्लाई कर देंगे अभी जो है, थैंक यू पूनम जी आपने शेयर किया, लेकिन मैंने पीछे पिछले हफ्ते में, हाँ एक बार यहीं पे रख दीजिए, मैंने एक वो किया था और आप उस समय यदि उसमें पार्टिसिपेट किया होता तो मैंने 100 रुपए का डिस्काउंट कूपन निकाला था, खैर अभी तो कुछ नहीं निकाला,
नेक्स्ट वीक में फिर निकालेंगे कुछ ना कुछ। ये देखिए दिवाली की वजह से मैं नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा उल्टा हो गया ऐसे। देखिए ये देखिए, ये इसका ब्लाउज हो गया, दोनों साइड स्लीव्स बनी है, फ्रंट बना हुआ है और ऐसे कर लीजिए, और ये बैक भी बनी हुई है। थैंक यू पूनम जी, आपने शेयर किया, थैंक यू वेरी मच। हेलो ईशानी जी, पूरी जी होलसेल प्राइस पे दे रहा हूँ, कायदे में गलत है, गलत है, मैं जो कर रहा हूँ गलत है। ये व्यापार की पॉलिसी नहीं होती कि आप होलसेल में और उस तरीके से, लेकिन ठीक है बेच रहे हैं, कस्टमर तो सारे एक से होते हैं ना, मैं तो होलसेल रेट पे भी दे देता हूँ डेल में। बस ये है कि यहाँ पे प्राइस ओपन नहीं करता, अदरवाइज मेरे तो सब पीसों पे टैग लगे होते हैं। ये देखिए अब एक और डिज़ाइन मैं बैठे बैठे ही दिखा रहा हूँ। नीचे बॉर्डर देखिए कितना चौड़ा और हैवी बॉर्डर, और ऊपर भी काम देखिए, पूरा कोट वर्क का काम और रेशम की मल्टी। मेघा जी बोल रही हैं वाओ, थैंक यू मेघा जी। सोनी जी रेड वाले पीस का जो भी जिसका पीस अच्छा, जो पीछे पड़ा हुआ है वो थोड़ा सी महंगी, थोड़ी नहीं काफी महंगी साड़ी है और बहुत क्लासिक साड़ी है। आपकी निगाहें बहुत तेज हैं, थैंक यू ज्योति जी। अभी ऑर्गेंजा में इसमें और अलग अलग डिजाइन ले आते हैं भैया, एक ही डिजाइन के आप कलर लेके आए हैं, एक चलिए एक आध वो उस टाइप के भी ले आते, जो भी नीचे दिखा रहे थे उसमें पूरे पट्टी सीक्वेंस थे। ये देखिए ठीक है सर, पूनम जी बोलिए एलिफेंट मॉड इसमें ऑर्गेंजा साड़ी ये है तो दिखा दीजिए। थैंक यू गुप्ता रश्मि जी। पूनम जी प्लीज प्लीज एक बार आप इसमें ही पूछिए व्हाट्सएप पे, वहां से सब लोग दिखा देंगे। सरिता शर्मा जी सर आपका मटेरियल सबसे अलग होता है, थैंक यू सरिता जी। बबीता जी बोलिए नाइस कलेक्शन, थैंक यू बबीता जी। ये इसका दुपट्टा हो गया, दुपट्टा कंट्रास्ट में हुआ क्योंकि मैचिंग में मजा नहीं आएगा। ये देखिए दुपट्टा कंट्रास्ट में आ गया इसका, और पूरे में बूटी भी है और बॉर्डर हैवी बॉर्डर, ठीक है। ऑर्गेंजा की सारी आ गई है, मैं एक मिनट में दिखा रहा हूँ, अभी भैया को नीचे से दो चार पीस और लेने भेजा है क्योंकि ये देखिए ये इसका ब्लाउज देखिए, ब्लाउज कितना हैवी, फ्रंट बैक और स्लीव सब कुछ, और हैवी पीस, लुक देखिए कितनी अच्छी हैवी आ रही है इसकी। राधे जी हाय बोल रही हैं, हेलो राधे जी, रायबा जी हाय, रायबा जी हाँ, भैया ने काफी मेहनत की है, काफी सारे पीस लेके आए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये मुझे पीस पसंद है, पहले वही खोलूं क्या। देखिए हमारे यहाँ तो इस तरीके से सब में टैग लगे हुए होते हैं, अब मैं टैग यहाँ पे ये एक बार साइड कर लीजिए भैया, थोड़ा सा हटा दीजिए, ये हटा ही लीजिए तो बात बनेगी, बस ये यहाँ के पीस यहीं कर देते हैं, ये दुपट्टा उधर रख दीजिए बाद में आप कर लीजिए। ये वाली वही खोल दो, ये पहले यही खोलता हूँ, एक्चुअल में खोली तो इसलिए थी, नया डिजाइन ये बन के आया है, बहुत हैवी साड़ी है, लोगों ने इसका हल्का वर्जन हाथों हाथ कॉपी भी कर लिया, लेकिन ये देखिए पूरे में पट्टा पेस्टिंग है ताकि ये बॉर्डर जो है बंधा रहे, नहीं तो टूट जाएगा पूरा कटदाना, सल्ली कटदाना, कटदाने की शाइनिंग देखिए कितनी बढ़िया, और जरकन और पूरी साड़ी को बूटे से भर दिया हमने, कटदाना नहीं सल्ली है, सॉरी हाँ सल्ली कटदाना ही कह रहा हूँ। गिनी सिंह जी मेगा जी आप प्लीज प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जो ये साड़ी है इसके प्राइस भैया से पूछ लीजिए। रायबा जी बांग्लादेश में डिलीवर, मेरे कई कस्टमर हैं शॉपकीपर से जो माल लेते हैं, लेकिन वो उनका अपना कोरियर होता है, एक बांग्लादेश ऐसा है जहाँ पे ब्राइब कहना नहीं चाहिए लेकिन ब्राइब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, पता चला आपकी यदि सेटिंग नहीं है तो बहुत महंगा पड़ जाता है, तो वहाँ पे शॉपकीपर्स तो बहुत सारे लेके जाते हैं वहाँ पे बांग्लादेश में। और एक मजे की बात बताऊं, एक बांग्लादेश के कस्टमर ने मुझसे कुछ कस्टमाइजेशन कराया, जैसे मैंने पीछे आपको ग्रे साड़ी दिखाई थी, ग्रे पे रेड बूटा, मुझे तो नहीं समझ आ रहा उन्होंने लगा लिया, तो इस तरीके से कस्टमर ने कस्टमाइजेशन कराया और मुझे लंबी क्वांटिटी में माल दिया, ऑर्डर दिया, मैंने दे दिया, उन्होंने बेचा, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से आया था, न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड से क्वेरी आई थी, लेकिन उन्होंने माल शायद नहीं, उन्होंने फ्रांस बेचा था, कहाँ बेचा था माल, ऑस्ट्रेलिया बेचा था कस्टमर ने माल मेरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया बेचा था, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड बिका, न्यूजीलैंड से मेरे पास क्वेरी आ गई भैया ये पीस चाहिए, हमारा मोनोपोली, वो पीस मुझे पता है कस्टमर ने, आपने मोनोपोली बनवाया हुआ,
या तो वो बना नहीं रहा, आपने मेरे पीस को कस्टमाइज कराया, बनवा लिया, मुझे ऑर्डर दे दिया, मैंने तो उसके एक्स्ट्रा पीस बनाए नहीं, जितने बनाए आपको भेज दिए। अब फिर ईमानदारी क्या कहती है, ईमानदारी ये कहती है मैंने कस्टमर को मना कर दिया जबकि मुझे मार्जिन एक्स्ट्रा मिल रहा था, वो मुझसे ले रही थी कि भैया आप मुझे ये पीस बना दो और आप बोलो कितने पैसे, यार उससे ले लो ना पीस तो मेरे ही बिका है अल्टीमेटली, चले जाओ कोई बात नहीं, चलो आप ले जाओ पीस भैया क्या चाहिए, तो पीस तो मेरे ही बिका है, अब मैं वहां पे दूं या वहां पे दूं, ले रहे हैं बांग्लादेश से, वहां से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, वहां से दो आदमियों का पेट भर रहा है बीच में, तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं मतलब मुझसे कुछ दूसरी चीज ले लो ना जो दूसरे ने बनवाया है, कस्टमाइज काम करवाया है, उसको प्रीति जी पूछ रही है कि रेड वाली साड़ी को और कलर है, नहीं ये रेड स्पेशल बनाया हुआ प्रीति जी, ये देखिए बहुत हैवी, अब ये पूरे में अंदर पल्ले में बड़े बूटे और स्कर्ट में देखिए ये साड़ी, मैं पिंकी जी को आने दीजिए सबसे पहले ये साड़ी ना ड्रैप करके दिखाऊंगा क्या साड़ी है क्या लुक आती है इसकी, ये देखिए पूरे में हैवी बूटी रेड सुर्ख रेड कलर, श्री सनी जी लहंगे बहुत हैं, यदि मैं शाम तक लहंगे दिखाना शुरू करूं ना तो मैं खत्म नहीं होंगे, व्हाट्सएप पे आप क्वेरी कर लीजिए, व्हाट्सएप पे मेरा स्टाफ आपको दिखा देगा, अभी मैं ऑर्गेंजा की साड़ी मंगाई है कहाँ कहाँ भागेंगे, तो ऑर्गेंजा की साड़ी दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये ब्लाउज भी देखिए कितना हैवी और स्लीव्स भी बहुत हैवी, महंगा डिजाइन है थोड़ा सा लेकिन ठीक है भैया आपको बता देंगे, आप इसको हटा दीजिए, बहुत और पट्टा पेस्ट किया हुआ है मुझसे ऑर्गेंजा की साड़ी मांगी थी, मैं ऑर्गेंजा की साड़ी दिखा रहा हूँ आपको, पकड़िए ये देखिए ऑर्गेंजा की साड़ी, ये पल्ला हो गया, पल्ले में वीविंग में ये देखिए अंदर पूरा का पूरा पल्ले पे इस तरीके से काम है, यहाँ पे दिख रहा होगा ये देखिए इस तरीके से, प्रीति जी थैंक यू, और मेरा स्टाफ आपको एड्रेस नीचे दे दिया है, गूगल मैप पे भी आप डालेंगे तो आ जाएगा पूरा का पूरा, ये देखिए ऐसे लिए ये देखिए यहाँ पे ऊपर कर दिया ताकि आपको कलर पता चले, सब वीविंग में काम है ठीक है, पूरे बूटे मल्टी कलर यहाँ पे, और ऐसा नहीं है ये जरी चुभे आंखों में चुभने वाली जरी नहीं है, नीचे पूरा का पूरा ये हमने इस तरीके से किया हुआ, नीचे चौड़ा बॉर्डर, बॉर्डर हैवी नीचे की साइड भी ले लीजिए, स्कर्ट भाई साहब स्कर्ट स्कर्ट सॉरी स्कर्ट, थैंक यू संगीता जी, और ये कलर थोड़ा सा चेंज महसूस हो रहा है, बिल्कुल आंखों में चुभने वाला कलर नहीं है, और साड़ी पहन के यदि थोड़ी सी भी ढंग से ड्रेप करी हो और ऐसी लगती है ग्रेस आती है रिच लुक आती है, एक्चुअल में ये साड़ी ऐसी हैं इनसे देख के रिच लुक आती है, हाई जेंट्री में पहनी जाती है साड़ीज, ऐसा नहीं है कहीं आप गलत समझे मुझे कि क्या है, कई बार एग्जाम्पल आदमी दे देता है लेकिन ऐसा बहुत अच्छी लुक आती है, इसका ब्लाउज देखिए बहुत हैवी है, बिल्कुल अलग सिल्क पे इस तरीके से, देखिए उन्नति जी प्लीज आपसे एक बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सबका मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ, सब 2000 से लेके 2500 के बीच की साड़ीज हैं, 3000 के बीच तक की साड़ी लेके आए भैया, 2000 से लेके 3000 के बीच की साड़ीज हैं ये वाली ऑर्गेंजा की साड़ी, सिर्फ ऑर्गेंजा की साड़ीज बता रहा हूँ मैं आपको, ये 2000 से 3000 के बीच की साड़ीज हैं, रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो बेच रहे हैं आप ही सोचिए कि आपने यदि शॉप खोल ली तो आप भी नहीं चाहेंगे कि आपको जिन कस्टमर्स को बेचना है, मान लें आपकी पड़ोस में जिस लेडीज को आपको बेचना है उसी को प्राइस पता है, वो मुझसे ले नहीं सकती क्योंकि उसे विश्वास नहीं है, उसे विश्वास नहीं है क्योंकि हर एक जना वीडियो पे विश्वास नहीं करता ना इतनी जल्दी, और आपसे उसे चाहिए आपने रखा भाई, हर एक आपने यदि बिजनेस किया है तो आपको भी कुछ तो मार्जिन चाहिए, फ्री में समाज सेवा के लिए तो बैठेंगे नहीं आप भी, ये साड़ी रखी और समाज सेवा करेंगी, अब आप कुछ भी मार्जिन रखते हो, मान लो आपने इस पे 500-700 रुपये 1000 रुपये कोई भी मार्जिन रख लिया, तो 2500 की साड़ी है 2500 की साड़ी पे 1000 रुपये रख लिए, तो भाई रिटेल में तो एक एक पीस बड़ी मुश्किल ऐसी बिकता है ना घर में, तो वो रखा अब वो कह देंगे आपने 500-700 रुपये या 1000 रुपये मार्जिन रख लिया, कहाँ से कोई होलसेल का काम को थोड़ी है कि 3-4% पे 5% बिकेगा, भाई हमारे तो पार्सल पैक होते हैं तो 3-4% पे 5% पे 5-7% पे सब पड़ते खा जाते हैं, पार्सल पैक होना है मार्जिन उस हिसाब से क्वांटिटी में हम भेज जाते हैं, वहाँ पे तो क्वांटिटी नहीं होती, फिर किसी
हाँ भैया बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था कि भैया वो उसी के साथ हुआ कि जिस कस्टमर को रीसेलर को दिया उसी की फ्रेंड ने उनसे प्राइस पूछ लिए, तो वो उन्होंने वीडियो में मैंने पीछे बोला था क्योंकि कुछ कस्टमर्स कह रहे थे, बोल दिया वो कस्टमर ने प्राइस सुनते ही उन्होंने कहा आप इतना मार्जिन ले रही हो, तो यार उसमें उसकी क्या गलती है भैया, आप बिजनेस शुरू कर लो। रहिए एक डिजाइन और दिखाइए। हेलो ज्योति जी थैंक यू। ये देखिए अब येलो कलर की साड़ी, ये येलो कलर है, थोड़ा सा मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये देखिए येलो कलर है पूरे में, अलग ढंग से डिजाइन बना हुआ है ऐसे, ये लीजिए ये येलो कलर है, साड़ी पे साड़ी गिर गई है इसलिए कलर नहीं पता चल रहा है, ये बॉर्डर हो गया और पूरे में यहाँ से यहाँ तक रेशम का से काम है, तार डाला हुआ। ग्लिटर वाले गाउन एक एक दो ले आओ आप, ले आओ प्लीज। ये देखिए ये बॉर्डर हो गया मल्टी रेशम का, एक दो कोई से भी ले आइए, और इसके ऊपर ये झरकन इस तरीके से, और यहाँ पे ये सीक्वेंस का भी डाला हुआ है, तो इसकी लुक ही चेंज हो गई, बिल्कुल डिफरेंट चेंज हो गई। अब इसमें जिस तरह की ये बॉर्डर लगाया हुआ है, पाइपिंग करी हुई है, उसी कलर का हमने ब्लाउज दे दिया तो लुक चेंज हो गई, बहुत बढ़िया लुक आती है। मतलब ये यदि सेम लुक करा जाए, और ये इसका ब्लाउज हो गया, प्लेन ब्लाउज हो गया, शेयर और करते रहे कीजिए प्लीज। बस एक रिक्वेस्ट चाहिए, एक डिजाइन और देखिए, ये नेट के ऊपर ले आए भैया, ये नेट के ऊपर है, नेट में पूरे का पूरा जो इसे कहना चाहिए पानी सीक्वेंस बोलेंगे ना, और पानी सीक्वेंस में क्या होता है, ये डिस्को की शेड मारता है, पूरे में सीक्वेंस तार डल गई, रेशम के साथ में सीक्वेंस आ गया, ऊपर और नीचे यहाँ पे कोड वर्क का काम हो गया बॉर्डर में, और नीचे की साइड एल टाइप में, इसे एल टाइप बोलते हैं, पूरे में बॉर्डर हो गया चौड़ा बॉर्डर जिसमें फिगर वर्क काम हो गया, तो लुक बहुत अच्छी हैवी आ जाती है इस पीस की। ये ढंग से ड्रैप कीजिए एक बार, समझिए आप खड़ो के इसको ऐसे बता सकते हैं कि तय करने, तीन चार प्लेटें, चार प्लेट, चार पांच प्लेट डाल सकते हैं, चार पांच प्लेट भैया, प्लेट डालनी नहीं आती, माल फाल लेकर आऊंगा, चलो माल लेकर आऊंगा। हाँ जी गुप्त, अरे गुंजा जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया पार्किंग नजर है आपकी, मिंट ग्रीन कलर, मिंट पिस्ता कलर, बहुत बढ़िया पार्किंग नजर है, वेरी गुड, इतना कलर जबकि हमें खुद को ना यहाँ पे चेंज लगता है, लेकिन ये मिंट पिस्ता कलर है, बहुत बढ़िया, थैंक यू पूर्वी जी, थैंक यू, थैंक यू। और ये बस चलिए हटा दीजिए, ये खोल दीजिए, चलिए वो खोल दीजिए, कोई सी भी जो साड़ी आपको पसंद है वो खोल लीजिए, सीक्वेंस के गाउन भी भैया ले आए हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरीके से ऑर्गेंजा का पीस हो गया, हेलो रिया शर्मा जी, ये देखिए अब इसमें क्या किया, ऊपर और नीचे रेशम का पूरा बॉर्डर हो गया, चौड़ा बॉर्डर हो गया, बीच में पत्तियों में यहाँ पे सर्वोस्की का काम हो गया, सर्वोस्की का काम क्या है, छोटी सर्वोस्की होती है, इसमें शाइनिंग आती है बहुत अच्छी, लेकिन उस तरीके से नहीं होती, लेकिन ये होता है कि फैंसी लुक हो जाती है, सोबर लुक हो जाती है, शहरी लुक हो जाती है थोड़ा सा, ये देखिए स्टोन वर्क के काम में शाइनिंग ज्यादा आती है, लेकिन शहरी लुक इसमें इसे होती है। अब हर एक कस्टमर की देखिए माइंड मत कीजिएगा, अलग अलग वो होती है, लोग अपने आप को अलग अलग तरीके से कह देते हैं, ये देखिए, और नीचे की साइड चौड़ा बॉर्डर, सब उसी रेंज की साड़ियाँ, ये मैंने आपको आइडिया दे दिया, आज मैंने जो भी ऑर्गेंजा की साड़ी दिखाई है, ये सिल्क की और ये नेट की साड़ी दिखाई है, सब 2000 से लेके 3000 के बीच की साड़ी है। थैंक यू मोहिनी जी, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, और ये इसका ब्लाउज हो गया, ये रनिंग में प्लेन ब्लाउज है, इसका ब्लाउज प्लेन आएगा, एक ये खोल, ये खोल दें या पहले वो खोल दो, सीक्वेंस की नॉन दूर करेंगे, सीक्वेंस की नॉन इसका भी देखते हैं, बस आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ये देखिए सीक्वेंस का गाउन अभी मांग रहे थे, इसमें एक ये इस तरीके से फैब्रिक है, देखिए पास में आ जाइए आप, और पास में आप आ जाओ, ये लीजिए
आप पास से लीजिए इनका। इसमें काफी तरह के वो फैब्रिक आते हैं। क्या हुआ? देखिए संगीता जी, बिल्कुल ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप विश्वास करना छोड़ दें। मेरे संग ऐसा हुआ, साड़ी वापसी आई। अब उस कस्टमर ने 70 का होता है, मैंने कहा मैं पार्सल खोलते समय वीडियो बनाऊ। वीडियो कंपलसरी है, वीडियो के बगैर मैं नहीं मानूंगा। किसी कस्टमर ने कह दिया, कहने भाई साहब मेरी जगह ये पीस निकला है। कैसे पता चलेगा हु इज वो? तो सेम ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है दुकानदार ने किया हो। हमेशा दुकानदार गलत नहीं होता और हमेशा ग्राहक गलत नहीं होता। कई बार बीच में कूरियर कंपनी में भी बदमाशी करी, उसने कट मारा हल्का सा, बिल्कुल ऐसे ब्लेड से कट मारा, पीस निकाला, 250 रुपये का पीस डाला, टेप लगा दिया। अब आपने वो पीस, मुझे नहीं पता किसके संग हुआ, मेरे साथ तो हुआ नहीं, मतलब आपका मेरा तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन वो टेप लगा दी, आपने उसे कन्फ्यूजन में ले लिया। अब वो पीस ले लिया और आपने उसे देखा, हाँ ठीक है, ध्यान दिया नहीं कि इसने हल्का सा ब्लेड से कट मार के पीस निकाला हुआ है। अब वो आप वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। और एक कस्टमर को ना किसी भी अपने घर के परिवार के किसी भी एक बच्चे को किसी भी आदमी को खड़ा करके मैंने कहा अब ये वीडियो बनाओ, चाहो तो उससे पैक है और आप उस पीस को खोलो। हमेशा एक बात बता रहा हूँ, हर एक का चाहे किसी भी कंपनी का पीस हो, वो पीस खोलेंगे तो आपके पास वीडियो है कि मैंने पीस आपसे 2450 का लिया था। आपके संग जिस भी हुआ, मेरा नहीं हुआ, मैं फिर भी एक सबको बात बता रहा हूँ, और इसमें से ये पीस निकल रहा है, तो अब वो पीस की वीडियो जिस भी बायर से आपने ली होगी उसको भेजेंगे तो वो मानेगा, हर एक जना मानेगा, 100% मानेगा। मैं भी जब भी मानूंगा, आपने जिससे भी लिया मैं उसकी बात बता रहा हूँ, और वो अपने कोरियर कंपनी को देगा। हर एक जना क्या होता है, कोरियर कंपनी को देगा, कोरियर कंपनी अपने आप उसका क्लेम देगी, तो आपको तो 100% पैसा वापसी मिलेगा। लेकिन यदि आपके पास वीडियो नहीं है तो फिर तो दिक्कत है, क्योंकि वो भी कहाँ से करेगा। कई बार ऐसा होता है कस्टमर भी बदमाशी कर जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि दुकानदारी, और कई बार दुकानदार वास्तव में बदमाशी कर जाते हैं। तो हर तरह के आदमी हैं, ऐसा नहीं है कि दुकानदार शरीफ है, ऐसा नहीं है कस्टमर शरीफ है, ऐसा नहीं है कुरियर कंपनी, किसी भी लेवल पे कहीं पे भी बदमाशी हो सकती है। तो हमें क्या हुआ, हमें सबको क्या हुआ, जागरूक रहना पड़ेगा। यदि हम लोग जागरूक हैं, हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं अपने, मतलब कि किस तरीके से हम रोक सकते हैं, हम किस तरीके से प्रूव करेंगे कि हम सही हैं, तो आपके पास वो होना चाहिए। हाँ ये मत कहिए कि आप भी वीडियो भेजो, मेरे पास पॉसिबल नहीं होता क्योंकि मैं इतने परसेंट पैक कराता हूँ, लेकिन हाँ हम चेक करके भेजते हैं सारे के सारे। ठीक है, हाँ थैंक यू संगीता जी, संगीता कोठारी जी थैंक यू वेरी मच। नीतू यादव जी सर 15 ग्रुप में शेयर की है आपकी वीडियो, थैंक यू नीतू जी। आप अपना इस वीक तो नहीं चल रहा, लेकिन हाँ पिछले वीक तो चल रहा था। नेक्स्ट वीक में जब मैं इसको शुरू करूँगा दोबारा, तो फिर मैं आपको उससे कि मुझे आप भेजेंगे अपना कि मैंने इतना शेयर किया, तो उसमें हम निकालते रहते हैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ। अभी नहीं, इस तरह का 2100 खोल देते भैया, उसमें वो दिखा देंगे बस, इसके बाद फिर बस बाद में मिलते हैं। 21 दिखा दीजिए, कोई सा भी चीज इसका कलर दिखा ये दिखा दीजिए, डिजाइन अलग है भैया, ये डिजाइन अलग ले गया। अच्छा ये रेड कलर का पीस हो गया, बहुत बढ़िया। थैंक यू पूर्वी जी, सीक्वेंस की साड़ी बहुत है शकुंतला जी, इतनी साड़ियां हैं कि आप क्या बताऊं मैं आपसे, हमारे पास बिक क्या रहा है। अब देखिए ये देखिए पहले, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ जाता कैसे है माल। हो गया, अब ये देखिए सीक्वेंस की ये पार्सल ये पैक होके जा रहा है, ये सीक्वेंस इधर ही घुमा लीजिए आप वीडियो, ये देखिए ये इस तरीके से हो रहा है, ये हैंडवर्क का ब्लाउज जा रहा है, कस्टमर ये पसंद कर रहा है, इस तरीके से माल पैक हो रहा है, नई पन्नी में डाल के ये सारा का सारा अभी पार्सल पैक हो जाएगा खत्म। इस तरीके से सीक्वेंस की साड़ी तो बहुत बना रहे हैं, और मेरी गारंटी है कि आपको पूरे मार्केट में इस तरीके से नहीं मिल सकता, और कमर्शियल माल नहीं बनाते बिल्कुल। बहुत सारी मंडियों में कमर्शियल माल भी चलता है, लेकिन हम कमर्शियल माल नहीं बनाते। संगीता कोठारी जी, सीओडी होता है
मीडियम रेंज तक 1.5-2 हजार तक 2.5 हजार तक दो तो हम सीओडी देते हैं, उससे ऊपर सीओडी नहीं देते सारीज में। सारीज में तो सब में 2-2.5 हजार रुपए तक देते हैं, उससे ऊपर की सारीज में सीओडी नहीं देते। गाउन और लहंगे पेमेंट पे ही जाते हैं, क्योंकि गाउन और लहंगे का क्या होता है कम से कम 200-250 रुपए डिपेंड करता है, 500-700 रुपए तक, और भारी लहंगे होते हैं 1000-1000 रुपए तक का फ्रेट चार्ज होता है यदि किसी ने मना कर दिया किसी भी वजह से। भैया मैंने तो इतने पैसे नहीं कमाने जितने आने जाने में लग जाएंगे, तो वो नहीं देते। हाँ सारीज में एक बार फिर दे देते हैं कि जनरली कस्टमर रख लेता है इस रेंज तक की आइटम, भाई उसको उसके बाद क्या हुआ कोई दूसरी साड़ी पसंद आ गई, कोई दूसरा गाउन पसंद आ गया, उसमें तो कहते भैया नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए तो मेरा तो इतना मार्जिन ही नहीं है। जब आप 3-4% से 5-7% तक पे काम कर रहे हैं, डिपेंड करता है आइटम के ऊपर, बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव आइटम है तो सस्ते में बेचना पड़ता है, 2-3% पे भी ऐसा होता है कि पार्सल के पार्सल जा रहे हैं, क्या दिक्कत है, उतना हमसे फायदा होता है। यार आज की भी है 42 में ब्लाउज साइज हर एक का नहीं होता है, कुछ आइटम्स का हो जाता है। थैंक यू लक्ष्मी जी। कुछ आइटम्स का 42 में साइज हो जाता है, कुछ का 44 में तो नहीं होता, 44 नहीं होता, 38 में बनाते हैं, 40 तक हो जाता है, कुछ डिजाइन 42 तक चले जाते हैं। हम मेन बात यह है, मैंने कई बार देखा है, हम एक ब्लाउज को इसे उठाइए 1 इंच भी हम फैब्रिक वेस्ट नहीं करते, 1 इंच भी इतना सभी वेस्ट नहीं करते, पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं। अब वो फैब्रिक के ऊपर होता है, पीछे मैंने थान दिखाए थे आपको कि ये रहा, ये देखिए अब इसमें थान के ऊपर है, थान में कितना मार्जिन है, थान में यदि साइड में जो वो होती है कम होता है तो हम मार्जिन नहीं देते। अब इसमें देखिए, इसमें ये मार्जिन इतना अच्छा मार्जिन है, ठीक है, इसमें मार्जिन है, ये ऑल ओवर का है, इसमें हमने मार्जिन दिया हुआ दोनों साइड, इसमें मार्जिन दिया हुआ है, ये स्लीव्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है, 38 पे बना हुआ बड़े आराम से ये 42 तक चला जाएगा। और जिसमें मार्जिन नहीं होता उसमें मार्जिन नहीं देते, हम तो सब में वैसे मार्जिन देते हैं। अब यही ये देखिए, इसमें दोनों साइड मार्जिन है, ठीक है। आज का इतना ही काफ़ी है, बस मन की बात में एक छोटी सी बात कहूँगा, आज मैंने सुबह पोस्टिंग भी करी थी, जो मेरा पेज है मन की बात, उससे यही कहा था अमीर गरीब से नहीं होता, ये बहुत पैसा है उससे खुशी होगी, कम है तो खुशी होगी, मैंने तो ऐसे देखा है वास्तव में, मैंने क्या सब लोगों ने देखा, आप लोगों ने मुझसे ज़्यादा देखा हुआ, महलों में रहने वाले ना जो बहुत बड़े मकानों में रहते हैं पैसे बहुत ज़्यादा होता है, जरूरी नहीं है वो भी खुश, वो भी बेचारे दुखी रहते हैं, वो भी रोते रहते हैं, ठीक है पैसा है, खाली पैसा को रख के थोड़ी चाटना है, पैसे को रख के तो नहीं खा सकते, खाना तो खाने ही खाया जाएगा, लेकिन वो किसी भी चीज़ से दुखी है, बच्चों से दुखी है, परिवार से दुखी है, पत्नी से दुखी है, पति से दुखी है, किसी और चीज़ से दुखी है, और ज़्यादा पैसा चाहिए, मान लो 1 करोड़ रुपए हैं उसे 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ वाले को 100 करोड़ चाहिए, बेचारा इसलिए दुखी है, 100 करोड़ वाले को 1000 करोड़ चाहिए, दुखी है, होने को झोपड़ी में रहने वाला भी, रूखी सूखी खाने वाला भी खुश हो सकता है, कहता है जो प्रभु की इच्छा, जो ऊपर वाले ने मुझे दे दिया, रूखी सूखी खा रहा है, एक टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा फिर भी खुश है। मैंने एक बार खा भी था, मैं एक बार सब्जी लेने गया, बड़े आराम से सब्जी, मतलब मैंने कहा भैया बाबा धनिया दे दो, वो जो ले रहा था तो उसके चेहरे पे जो चमक, बड़े आराम से वो भजन गा रहा है, उसके वो देख के वो पर्टिकुलर मैं आपको बयान नहीं कर सकता, क्या खुशी थी उसके चेहरे पे, क्या वो था, मैं उससे वैसे ही पूछ ले 2-4 बातें भी करी, वो बयान नहीं कर सकता उस खुशी को, उसको बिल्कुल चेहरे पे संतोष, वो चाहिए। ये पैसे से नहीं होता, हर हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आप मैं सब सभी भाग रहे हैं, चाहिए उतना चाहिए जितना जरूरी है, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, धन्यवाद आप सब लोगों का, दिन शुभ हो, कल फिर मिलते हैं।